हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियोस। एंड दोस्तों, आज है 10 तारीख और नवरात्र का चौथा दिन, और हम लोग जो है आज सुबह में उठना बहुत ज़्यादा देरी हो गया, और इसीलिए जो है हम लोग जितना लेट उठे उसको कवर अप करने के लिए जितना जल्दी हो सका हम लोग नाश्ता पानी बनाए और खा पी करके, और अभी जो है दोपहर के लिए दाल बन रहा है अब यहाँ पर, और उसके बाद से जो दोपहर में चावल केवल बनाएंगे। और वहाँ का जो है ड्रेसिंग भी हो चुका है, और ड्रेसिंग करने के लिए वही नर्स मैडम आती है जो मतलब वार्ड में जो हम लोग को जो है ड्रेसिंग कर रही थी, बट यहाँ पर जो है आने का उनका चार्ज लगता है, वहाँ पर जो है फ्री में हो जाता था और हॉस्पिटल चार्ज हो जाता था, बट यहाँ पर जो है उनको पर डे पर ड्रेसिंग के लिए जो है 150 रुपीज़ जो है चार्ज करना पड़ता है। बट कोई नहीं, यहाँ पर आकर के वो अपने हाथ से अगर कर दे तो ये सबसे बढ़िया बात है होता है। अगर हम लोग अपने से करते या चाहे नहीं करते तो शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 6 महीना से जो है मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि ऐसा कोई मतलब चूक ना हो जिससे जो है सारे मेहनत पर जो है पानी फिर सके। कहा जाता है कभी भी नाखून काटिए तो हमेशा जो है एक जगह शांति से बैठ कर काटिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने नाखून को जो है किसी के पैर से मतलब कुचालना नहीं चाहिए। ऐसे तो रीज़न नहीं पता है, बट अगर आपके पास कोई रीज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा। जो है यहाँ पर चावल भी रेडी होने वाला है, थोड़ा देर में ये भी रेडी हो जाएगा, और हम मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं खाने वाला हूँ। थोड़ा ही देर में अगर रेडी हो जाता है तो वैसे तो ठीक लग रहा है। माता श्री, जूली श्री और दीपक श्री का खाना रेडी। हम लोग जो है डिनर का तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है आज बनेगा भिंडी का सब्जी और रोटी, और आज हम लोग आप लोग को दिखाएंगे जो है हम लोग दोनों जन आदमी मिल करके किस मतलब कैसा जो है खाना बनाते हैं। और ये जो है मेन बावर्ची, और हम जो है ये जो रहेगी फोरमैन, और मैं जो है इसका हेल्पर रहूँगा। आज देखते रहिए कैसे खाना बनता है, हम लोग का जो है साथ साथ दोनों आदमी मिल करके कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये सब्जी काटेगी, और थोड़ा देर बाद जो है मैं आटा गूंदूंगा, उसके बाद से खाना बनाना शुरू किया जाएगा। सबसे पहले पानी डालना पड़ेगा, जैसा आज तक जो है आपने बेलन चौकी के इस्तेमाल करते हुए देखा होगा रोटी बनाते समय, लेकिन आज हम लोग जो है लास्ट यूज करेंगे बेलन के तौर पर, और ये जो है थाली का पिछला भाग चौकी के तौर पर, और आज हम लोग का नया तरीके से बनाएंगे रोटी। देखते रहिए कैसे बनाते हैं, आज तक कोई भी जो है ऐसा नहीं बनाया होगा। फोरमैन और हेल्पर में यही होता है कि फोरमैन जो है टेक्निकल काम करता है, और जो है हेल्पर जो है मैकेनिकल काम करता है। यहाँ पर मैकेनिकल में मेरा खत्म हो रहा है पूरा पसीना पसीना,
और टेक्निकल काम वो कर रही है, केवल जो हिसाब वाला काम होता है वही कर रही है, मसाला वाला या जिसमें शॉर्टकट दिमाग वाला काम और शरीर वाला काम मेरे को दिया गया है। फाइनली बहुत कड़ी मेहनत के बाद जो है पूरा रोटी क्लियर हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। वाह 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 वाह, लास्ट रोटी फुल गया है, अंत वाला तो सब भला ना। वाह खूब सुंदर, गेंदा के जैसे फुटबॉल है फुटबॉल। मेरे मेहनत का रोटी बनाया हुआ हम खाएंगे, हम सब खाएंगे, हम सब केवल ये नहीं हम सब। ठीक है अच्छा बनाऊंगा, खराब भी बनेगा तभी भी खाना ही है, फिर भी अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, फॉर व्हाट्सएप रीजन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो भी जो है थोड़ा ज़्यादा व्यू गेन कर सके। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।